के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्पोकन की सीरीज नंबर 13 में चलेंगे, मतलब 13 में चलेंगे। और इस प्रकार के सेंटेंसों को कैसे बनाया जाएगा, जो सामने आपको बोर्ड पे दिखाई देता होगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके बारे में जरा सा समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, इन सेंटेंसों को बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। वो स्ट्रक्चर जरा सा ध्यान में रखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है कि डियर प्लस इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अहेड, एच ई ए डी अहेड। ध्यान देंगे साथियों, डेयर प्लस इज या आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको अगर समझ में ना आता होगा यहां से लेके यहां तक, तो बेसिक टू एडवांस करके डेयर का यूज ऑफ डेयर करके ट्रांसलेशन में आपको दिखाई दे देगा। उसको क्या करेंगे, उसको जाके देख लेंगे, वीडियोज में आपको वीडियो में मिल जाएगा, उसको अच्छी तरह से देख लेंगे। उसको जब आप देख लीजिएगा ना, तो किसके साथ डेयर लगेगा और किसके साथ डेयर नहीं लगेगा, ये सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले जाके ऑल वीडियोज करके उसको देख लीजिए। थंबनेल के ऊपर ही लिखा होगा यूज ऑफ डेयर, ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए कि डेयर का प्रयोग किसके साथ करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह से बता दिया है कि इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। तो यहां मैं यहां जो होगा ना, वो सारी बात मैं नहीं बताऊंगा। स्पेशल जो सेंटेंस के जो डिमांड होंगे, उन डिमांड को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलते हैं हम सेंटेंस की ओर। अब यहां पर ध्यान देंगे, आगे एक पेड़ नहीं है, आगे एक राजा नहीं है, आगे एक हाथी नहीं है, आगे दो विद्यालय नहीं है, आगे दो शिक्षक नहीं है। साथियों, ये जो आगे आपको दे दिया गया है ना, ये आगे आपको हर सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, आगे आगे। इनको क्या करेंगे हम लोग, मन की आंखों से झांप लेंगे, नजरअंदाज कर लेंगे। और यहां से एक पेड़ नहीं है, एक राजा नहीं है, एक हाथी नहीं है, दो विद्यालय नहीं है, दो शिक्षक नहीं है, इसको बनाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो एक पेड़ नहीं है तो क्या करेंगे, देयर इज नॉट अ ट्री, देयर इज नॉट अ ट्री। और इसके बाद आगे का इंग्लिश यहां क्या लिखा जाएगा, अ हेड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देयर प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ हेड यहां लिखा हुआ है, तो देयर इज नॉट अ ट्री अ हेड। तो ये हम लोग क्या करते थे कि ये सब्जेक्टिव वाले के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते थे। सब्जेक्टिव में कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। और यहां पे हमने नॉट लगाया, तो अब यहां पर ही क्या हो जाएगा कि इज और आर के बाद यहां पर ये स्पेशल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसे पीछे वाले में हमने देयर प्लस इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अहेड का प्रयोग किए थे, और इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, देयर प्लस इज प्लस आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अहेड के बारे में जानेंगे। मतलब कि इज और आर के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर ध्यान देंगे साथियों, एक राजा नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर इज नॉट अ किंग। और फिर क्या करेंगे, अहेड, आगे का इंग्लिश हटा के लिख देंगे अहेड। फिर एक हाथी नहीं है, साथियों के लिए क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, देयर इज नॉट एन एलिफेंट। और यहां पे क्या लिख देंगे, अहेड। फिर साथियों, आगे दो विद्यालय नहीं है, इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक से अधिक है साथियों, तो इसके साथ हम लोग ए आर ई आर का प्रयोग करेंगे। तो आगे दो विद्यालय नहीं है तो क्या लिखेंगे, देयर आर नॉट टू स्कूल, नॉट टू स्कूल। अब फिर क्या लिखा जाएगा, अहेड, अ हेड। फिर यहां पर साथियों देखेंगे, आगे दो शिक्षक नहीं है, क्या बनाएंगे, देयर आर नॉट टू, देयर आर नॉट टू टीचर, टीई ए सी एच ई आर, देयर आर नॉट टू टीचर। और यहां पे क्या करेंगे, अ हेड लिख देंगे। साथियों, इस तरह के सेंटेंस को बनाने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और ये सारे सेंटेंस जो है हम लोग क्या करते हैं, डेली वे पे इसको यूज करते हैं, डेली वे पे इसको बोलने का प्रयास करते हैं, वो हिंदी में बोलते हैं। शायद अगर आप इसको अगर समझ गए होंगे तो इसको
अगली बार से आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिएगा, जो कि मैंने एक अच्छी तरह से आपको मैंने बता दिया है, एक अच्छी फॉर्मेट पे समझा दिया है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट्स में अच्छा लगे तो कुछ लिखने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।